स्वागत है दोस्तों थोड़ा थोड़े अपने चैनल पंजाबी टॉक्स विच। दोस्तों हाजिर होया एक नवी जानकारी लैके, एक नवी वीडियो लैके। सिक्ख्या विभाग का वड्डा फैसला, पंजाब के इस जिले में 8 नवंबर तक जारी किए ये हुक्म। दोस्तों की है पूरी अपडेट आप जानांगे इस वीडियो विच। वीडियो शुरू करने से पहला छोटी जी बेनती है, अगर तुसी साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो कृपा करके साडे चैनल पंजाबी टॉक्स सबसक्राइब कर लेना अते नाल ही बैल आइकन दा बटन दबा लेना तां जो साडी आने वाली सारी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच सके। तो दोस्तों आओ नज़र मारते पूरी खबर पर। जिला मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर राजेश धीमान IAS वालों फौजदारी जापदा संगता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों की वरतों करते हुए केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर छौनी प्रीख्या केंद्र के आले दुआले 8 नवंबर 2023 तक दफा 144 CRPC लगाने के हुक्म जारी किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने दसिया कि प्रोफेसर सरोज शर्मा चेयरपर्सन नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार वालों सूचित किया गया है कि नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार के सिक्ख्या मंत्रालय स्कूल सिक्ख्या साखरता विभाग के अधीन एक खुद मुख्तियार संस्था है जो ओपन डिस्टेंस मोड राही सिक्ख्या प्रदान करती है और सीनियर सैकेंडरी वोकेशनल कोर्स चलाती है। उन्होंने वालों सैकेंडरी सीनियर सैकेंडरी कोर्सा की NIOS पब्लिक थ्योरी की प्रीख्या केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर छौनी विखे 8 नवंबर 2023 तक चलेगी। प्रीख्यावां का समा दोपहर 2:30 तो शाम 5:30 तक है, इसलिए उक्त हुक्म जारी किए गए हैं। यह हुक्म इन्हां प्रीख्यावां ते ड्यूटी दे रहे मुलाजमान ते लागू नहीं होंगे। सो दोस्तों यह एक बड़ी जानकारी निकल के आई सी जिला फिरोजपुर तो। जिला फिरोजपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ते 8 नवंबर तक प्रीख्यावां चलनगियां, जिसके चलते 8 नवंबर तक जिला फिरोजपुर के छौनी विच यह कानून लागू किए गए हैं। सो दोस्तों अज की वीडियो यही जानकारी सी, मिलते हैं नवी वीडियो नवी जानकारी के साथ। तद तक धन्यवाद जी।